ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि बोला था कि हमारा अगला जो व्लॉग होगा दैट विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोट हाउस। तो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे बोट हाउस का कंप्लीट टूर। ये है हाउस बोट ओनर राशिद अंकल के इकलौते बेटे भाई, जिन्होंने कन्विंस किया हमें कि हमें आना चाहिए। और पहले आप मुझे ये बताओ, कश्मीर कैसा लगा आपका, फर्स्ट डे आपका कैसा लगा? बहुत सही, अभी तक तो बहुत सुंदर, और लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, दिल से अच्छे लगे हमें। और बाकी देखते हैं कैसा चलता है। और हम आ चुके हैं हाउस बोट के बिल्कुल नीचे, और चलें मैडम उतरे। हाँ हाँ उतरो। कितना गहरा है भाई? 10 फीट आराम से। आ जाओ जुनैद भाई। तो ये होगी हमारी एंट्री। अब ये अपनी शिकारा को साइड में लगाते हुए, हाँ ये गाड़ी पार्क हो रही है। ये हमारी स्कूटी होती है। ये स्कूटी है। ये स्कूटी का क्या रेट होगा जुनैद भाई? यहाँ पे ये छोटी सी स्कूटी बन जाएगी 1.5 लाख की। 1.5 लाख रुपए की? हाँ, जो मतलब स्टार्टिंग। तो ये छोटी स्कूटी 1.5 लाख रुपए की होगी। और ये हमने एंट्री कर ली इस एरिया में। तो ये क्या एरिया है? डाइनिंग है, ठीक है। यहाँ पे हुक्का पीते सब कुछ, मतलब जब ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। अच्छा, तो ये बाहर का डाइनिंग एरिया, चिल करने की जगह है। चिल पैलेस है। अच्छा ओहो, और ये मस्त हमारा, अरे अरे राम से राम से, ब्रिज बना हुआ है। तो लकड़ियां वो कर रही हैं, झूले खा रही हैं। ये लंदन ब्रिज है यहाँ का। ओहो, ये तो लकड़ी बड़ी अंदर गई है भाई, मेरा पैर जाते ही अभी। और ये हम जा रहे हैं शिकारा के अंदर, और ये हो गई एंट्री। तो सर ये जो एरिया है, ये डाइनिंग एरिया है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट डिनर, कस्टमर को कुछ भी करना होता है तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। अरे वायर है, ये 36 इयर्स ओल्ड टेबल है। 36 ईयर ओल्ड टेबल, ये है मतलब वॉलनट वुड्स ना। हाँ हाँ, वॉलनट वुड जो इस पे है ना, ये हैंड कार्विंग सब की है इसके ऊपर, आप देख लो। अच्छा, और ये आपकी हाउस बोट कितनी पुरानी है? 85 इयर्स पुरानी हाउस बोट है। 86 होने वाली, बर्थडे आने वाला है हाउस बोट का। बर्थडे 100 साल के बाद तो करेंगे। 100 साल के बाद करेंगे। 100 साल के बाद तो 7 स्टार प्रॉपर्टी बनाऊंगा इसको मैं। अरे वाह यार, अभी के डेट में मतलब 85 इयर्स ओल्ड होने के बावजूद भी ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ नहीं, ये तो यार समझने वाली बात है, 85 ईयर ओल्ड लकड़ी चल रही है। अब हम लिविंग है, यहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हो। ओह, हम लिविंग एरिया में आ गए। अच्छा, तो वाईफाई है आपके पास, राइट? जी, वाईफाई भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कौन सा है वाईफाई? एयरटेल फाइबर। तो 5G आता है? 5G नहीं, 4G है। 4G है, तो अच्छी खासी स्पीड आती है। ठीक है, अच्छा है, मतलब काम हो सकता है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे आके काम करना चाहे तो वो यहाँ पे रुक के अपने ऑफिस का काम भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है आराम से बैठ के। यहाँ पे बैठ के वहाँ बालकनी में इतनी अच्छी बनाई है, लाइक काइंड ऑफ गार्डन फील आता है यहाँ पे। ओहो, तो अब हम जा रहे हैं हाउस बोट की बैल्कनी में। अच्छा, यही था वो व्हाइट स्पेस जो हमें दिख रहा था। Exactly. अच्छा, ये थी वो, ये एंट्रेंस थी यहाँ से। यहाँ पे मैंने थोड़े से नेचुरल फ्लावर्स भी रखे, गुड वाइब्स, अच्छी फीलिंग आती है। वेरी नाइस, बड़ा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आपको देखो, सब बोट्स देखो, किसी के पास नेचुरल फ्लावर्स नहीं लगे, किसी बोट पे नहीं लगे। सही बात है, सही बात है। तो अगर मेरे को नई हाउस बोट खरीदनी है या बनानी है तो मैं कर सकती हूँ? मतलब परमिशन तो लानी, फिर आप उसके बाद कर सकते हैं। कितना कॉस्ट पड़ेगा? ये डिपेंड है, जैसा बनाना चाहते हो। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, देयर इज नो लिमिट। तो हमारी जो हाउस बोट जिसमें हम खड़े हैं, इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 3-4 करोड़, 4 करोड़ तक जाएगी। अरे बाबा रे, खाली इस वाली बोट की। चल आगे चलें, देखें। तो ये हमारी बैल्कनी हो गई, ये हमारा ड्राइंग रूम या लिविंग एरिया हो गया। बड़ा सुंदर लग रहा है यार, ये अपने सोफे वगैरह बड़े आलीशान, महाराजा स्टाइल। हाँ, वेरी नाइस, वेरी कलरफुल। और अब हम चलते हैं फॉलोड बाय डाइनिंग एरिया। मुझे ये लाइट बहुत अच्छी लगी जुनैद। हाँ, डाइनिंग के लिए तो सही रहती है, मतलब शाम को ज्यादा अच्छी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, क्रिस्टल स्टाइल में। अच्छा, वो 3 कलर होंगे इसमें। हाँ, व्हाइट। एक मिनट, उससे पहले ये रस्ते में क्या है, किचन? कहाँ? ये किचन? ये तो किचन नहीं है, बढ़िया नॉर्मल बर्तन रखने के लिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर हम सामान रखते हैं, कप्स, चाय पीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये किचन जहाँ पर मैनेजमेंट करते हो आप, है ना? हाँ, ये मैनेज करने के लिए। ये पूरा कौन सी लकड़ी का बना यार? ये देखिए, इसमें वॉलनट प्लस पाइन।
वॉलनट एंड पाइन मिक्स, तो काफी जो पाइन है ना वो पानी के ऊपर 100 साल तो आराम से डेढ़ तो ये सारा जो आपका ये सारा पाइन ही होगा। नहीं ये वाली पाइन नहीं, इसको बोलते हैं किकर हम कश्मीरी में, किकर। अच्छा ये बहुत मतलब बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इसके अंदर कील मुश्किल से जाता है। और आप रहते कहाँ हो, मतलब आपका घर है? हमारा घर बाहर भी है, इधर भी होता है, पीछे भी हमने इधर भी बनाया होता है हाउस बोट जी। एक दूसरी जब ठंड होती है तो तब वहाँ रह लेते हैं, और जब गर्मी होती है तो तब यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर जैसे आपके 3 rooms हैं, अगर कोई 10-15-20 लोग आ गए तो कैसे फिर एडजस्ट करते हो? 3 rooms हमारी और भी बोट्स हैं ना यहाँ पे। अच्छा आपकी अच्छा, मतलब ये हमारी सबसे बड़ी वाली बोट है, ये सबसे बड़ी। तो ये दूसरी बगल वाली ये भी अपनी है, इसके पीछे और 2 बोट्स है वो भी अपनी है। तो मतलब है 7-8 कमरे हैं। बाकी फिर अगर मतलब ओवरलोड क्लाइंट्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर बाकी ओनर से बात करके एडजस्ट कर लेते हैं। और सब हाउस बोट में वाईफाई है, सिर्फ आप ही के में वाईफाई? सब में वाईफाई, सब में वाईफाई है। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? ये सुंदर बना रखा है, लॉबी, ये लॉबी में हम। अच्छा मतलब इसमें रूम्स आ गए हमारे। अब ये रूम है और ये हमारा रूम है जी, आपका रूम है। तो इसको स्लाइड, हां बैग्स रख दिए हमने, इसकी लाइट, लाइट्स एक सेकंड में ऑन लाइट, ये एक स्विच होना चाहिए इसका, दूसरा यहां पे। रूम भी काफी बड़ा है, रूम तो बहुत बड़े रखे हैं। स्पेशियस नॉर्मली आपको हाउस बोट में जो जितने इसके बड़े वॉशरूम्स है ना, इतने बड़े वॉशरूम्स आपको किसी हाउस बोट में नहीं। एक बार वॉशरूम भी देख लेते हैं, वॉशरूम की लाइट किधर से होगी? ये हो गई ऑन। तो ये वॉशरूम हो गया आपका, ये आपका हो गया इंग्लिश टॉयलेट। ओ वाओ यार, हमाम बनी हुई है, ये हमाम बनी हुई है। साथ में आप बाल्टी से वैसे नहाना चाहो तो अलग से इन्होंने सेक्शन बनाया है कि वो ड्राई एंड वेट कॉन्सेप्ट अलग रहे। ये प्रॉपर कर्टेन है उसको सेपरेट करने के लिए, सेपरेटर। और ये आपका आ गया वॉश बेसिन, वेरी नाइस। अच्छा ये यहाँ पे कुछ हाउस बोट स्टार्टिंग करते हैं डल लेक में, जब आप स्टार्ट करते हो जी, तो वहाँ पे काफी सारी बोट्स हैं, बोट्स है। फिर हम ये हमारे थोड़ी अंदर आके है, ये इसको कहते हैं हम गोल्डन लेक, इसको कहते हैं गोल्डन लेक। अच्छा तो उन बोट्स और इन बोट्स की कॉस्टिंग में भी फर्क होता है क्या? नहीं कॉस्टिंग में फर्क नहीं होता है, बस खाली लोकेशन का फर्क, मतलब रेंट का फर्क होता है। रेंट का फर्क होता है, कस्टमर हमें क्या फर्क होगा? रेंट में भी फर्क होता है, लोकेशन जैसी है वैसा रेंट बढ़ेगा आपको। देखो अब मेरी जगह पे यहाँ पे अगर मैंने और इसको मतलब मॉडिफाई किया बोट को, तो आई कैन चार्ज 20,000-10,000 पर नाइट। जैसा बोट है वैसा कॉस्ट ले सकते हो। और लोकेशन का भी फर्क पड़ता है, अगर बिल्कुल ही बाहर है तो वो ज्यादा रेंट रखते हैं, और अगर थोड़ी अंदर है तो कम रेंट रखते हैं। गोल्डन लेक में ऐसी भी बोट हाउसेस है जहाँ आपको 50,000 पर नाइट लेंगे। अच्छा हाँ, 50,000 पर नाइट, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा काइंड ऑफ लग्जरी, लग्जरी है। अच्छा अच्छा, बेड अच्छे, गद्दा अच्छा, मैट्रेसेस ये सब फर्क होगा? ऑलमोस्ट बेड्स तो सेम रहते हैं, बट मैट्रेस समथिंग डिफरेंट है, मतलब इंटीरियर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपकी इस हाउस बोट पे किसी को रूम बुक करना है तो उसको क्या कॉस्ट पड़ सकती है ऑन एन एवरेज? मतलब अगर हम डिनर ब्रेकफास्ट चाहे सीजन के हिसाब से लाइक 5,000 एटलीस्ट। लाइक जो बोट हाउस के प्राइजेज हैं वो बहुत वेरी करते हैं सीजन टू सीजन, तो आपको ये 5,000 की भी मिल सकती है और उससे कम भी मिल सकती है अगर सीजन ऑफ है तो। 5,000 ब्रेकफास्ट लंच और डिनर आपका इंक्लूडेड है? खाली ब्रेकफास्ट एंड डिनर, दैट्स ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट में क्या होगा? ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट पराठे पोहा सब कुछ जो मतलब नॉर्मल, और डिनर में? डिनर में वेज खाओ नॉन वेज खाओ वो आपके ऊपर, क्लाइंट जो भी चाहता है जो भी चाहता है अकॉर्डिंगली। ओह नाइस नाइस। और कुछ है अभी या हमारा हो गया टूर पूरा? एक और क्वेश्चन है मेरा, छत भी है? चलो अभी छत पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, जैसे इसमें ना हीटिंग फैसिलिटी नहीं है, तो अगर कोई सर्दियों में आ रहा है दिसंबर जान में तो आप कैसे कर रहे हो? नाइस पॉइंट। देखिए वहाँ पे हमने वो होल किया है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है मुझे। तो हम जब सर्दी होती है ना तो हम उसको कहते हैं मतलब बुखारी, ठीक है? तो वो हम इधर सेंटर में लगाते हैं, वो नीचे से पहले उसको कवर करके ताकि कुछ जले ना, फिर उसकी पाइप ऐसे रहती है, फिर ऐसे बाहर निकलती है। तो सारा जो धुआं होता है ना वो पाइप से बाहर निकलता है, उसमें लकड़ी डालते हैं, रूम पूरा गर्म हो जाता है, मतलब टी शर्ट में बंदा रहेगा माइनस टेम्परेचर अगर बाहर हो, मतलब ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बन जाता है। एग्जैक्टली right? लकड़ी हाँ। जलाते हो आप? जी okay, ग्रेट जी बिल्कुल, मतलब घर के अंदर ही आपका बॉनफायर चल रहा है, सोच रहे हो आप? सही है। गर्म पानी 24 घंटे रहता है, 24 घंटे गर्म पानी रहता है जी। फैसिलिटीज है यहाँ पे, थोड़ा सा हार्ड वर्क है बट फैसिलिटीज देनी पड़ती है, वेरी नाइस। दैट्स हाउ बिजनेस वर्क्स जी। इसमें हमारे पास एक कैलेंडर भी है 1973 ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा मैं दिखाऊंगा वो आपको कॉमन हॉल में, और 85 इयर्स ओल्ड कारपेट भी है हमारे पास। 85 ईयर ओल्ड कारपेट जी, जी, जितनी ओल्ड हमारी बोट है उतना ही ओल्ड हमारा कारपेट। एग्जैक्टली।
तो ये आपके दादाजी बहुत पुराने टाइम दादा की जो पापा है ना उन्होंने परदादा से मतलब टाइम से ये बोट हाउस है। ये क्या है इधर क्या भाई? ये तो बस इसकी दीवार है, दीवार है। अच्छा उसके अच्छा वेट थी उसकी इतनी, आपने पैसे छोड़ रखे हैं। छत पे चले अभी, छत बाकी इसमें और भी रूम्स है, तो अभी एक्चुअली वहाँ पे क्लाइंट्स है, तो मतलब क्लाइंट्स बाहर गए, फिर भी अगर देखना चाहते हम सिर्फ वो तो रूम ऐसे ही है, सारे रूम्स है ऑलमोस्ट ऐसे ही है, तो ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस हाउस बोट की छत कैसे दिखती है। ओहो ये गेट खोला, ये क्या खोला, ये वैसी फील नहीं है जैसे, हाँ जैसे वो सलमान खान की फिल्म थी ना, जो सलमान खान की जो फिल्म थी जिसमें वो एक विलन को बोट एक पानी के बीचों बीच कैद करके रख देता है, नाम भूल गया मैं। हमारे पास रेडी ना फॉरेनर्स जाते हैं, तो वो छत पे सुबह शाम योगा करते रहते हैं, सनसेट देखते हैं। सनराइज इधर से होता है? अच्छा ये हाउस बोट के ऊपर अगर आप आओगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, ये सब हाउस बोट्स आपको नजर आ रही हैं। हम परसों इनमें से कौन सी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं? यहाँ से कोई नहीं है, हम आगे लंबा जा रहे हैं, बहुत हाइट पे। इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, वही है क्या? इंडिया का फ्लैग है। क्या है वो, क्या एरिया, क्या है वो? फोर्ट है, अकबर फोर्ट। अकबर फोर्ट, तो वहाँ पे नीचे एक दरगाह भी है। अच्छा अच्छा, वहाँ आप केबल कार से भी जा सकते हो। चलती है अभी वहाँ? चलती है वहाँ पे। ओके, बट अगर वहाँ पे जाना है ना, हाँ, वहाँ के लिए आपको परमिशन लाना पड़ेगा। दरगाह तक केबल कार में जा सकते हो, बट ऊपर के लिए परमिशन जरूरी है। तो परमिशन कहाँ से मिलती है? वो टूरिस्ट सेंटर से मिलती है। अच्छा, टूरिस्ट सेंटर आसपास कहाँ है यहाँ पे? यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर है। 1.5-2 किलोमीटर टूरिस्ट सेंटर। तो ऑन द गो दे देंगे परमिशन? ऑन द गो मतलब जैसे मैं मतलब कल गई, वो आपको मतलब देखिए इतना हैक्टिक नहीं है, बस आधार कार्ड देना आपको। हाँ। अच्छा वो परमिशन मिल जाएगी, जो भी उनकी क्यों जा रहे हो क्या है। वो भाई ने बड़ा कूल सा अपना नाम लिखवा रखा है यार, जबरदस्त। भाई एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, हम लोग बहुत टाइम से कश्मीर आना चाहते थे लेकिन हम आ नहीं रहे थे फॉर सम रीजन। हमने एक बार 2019 में भी प्लान किया था लेकिन फिर हमेशा दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि सेफ रहेगा, क्योंकि आप जो टीवी पे हम कश्मीर देखते हैं ना, वो हम ये कश्मीर देखते हैं कि आज वहाँ पत्थरबाजी हो गई, किसी को गोली लग गई, किसी कहीं अटैक हो गया, किसी मिलिटेंट ने अटैक कर दिया, किसी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। तो और अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब मेरी कल मेरे बड़े भैया से बात हो रही थी कि हम लोग आज कश्मीर के लिए निकलेंगे, तो उन्होंने फिर से बोला कि रिकंसीडर करो कि आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, एक बार सोच लो, वहाँ पे मिलिटेंट्स अटैक फिर हो गए हैं, अभी एक इंसिडेंट भी हो गया है। तो ये सब तो हम टीवी पे देखते हैं। देखिए भैया, आप क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में आपको बस इतना बोलूंगा, आप आजादी मतलब आजादी से घूम रहे हो यहाँ पे। अभी के टाइम पे इतने टूरिस्ट कश्मीर में घूम रहे, एक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टूरिस्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना यहाँ पे कश्मीर में टूरिस्ट सेफ है ना, उतना कोई नहीं है। टूरिस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कश्मीर। जितने मतलब यहाँ पे टूरिस्ट है ना, किसी को आपने सुना मतलब पिछले 2 साल या 1 साल में आपने कुछ ऐसा सुना यहाँ पे कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ? एवरीथिंग इज गेटिंग बिट बाई बिट परफेक्ट, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, बिकॉज लोगों में एजुकेशन आ रही है धीरे धीरे। देखो मैं क्या मैं आपको इतना बोलूँगा, पीपल वर अनएजुकेटेड बिफोर, ठीक है, तो उन चीज़ों से क्या होता था, मतलब हो जाता था। वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सबको पता है। बट नाउ नाउ अडेज देखो सबके पास फ़ोन है, एवरीबडी इज़ यूजिंग गूगल, एवरीबडी इज़ यूजिंग इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, नॉलेज उससे मिल जाती है, तो पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे नो व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। Okay, so simply it's getting better now. It's getting better. There is nothing to worry about. Yeah, tourist is safe. Everybody is safe. Even we are safe here. Nobody is like unsafe. Okay, that's so what I can say. So if you're watching this video and at back of your head if you had this question ki Kashmir safe hai nahi hai, jana chahiye na nahi jana chahiye, to abhi tak hamare sirf ek hi din hua yahan pe aaye hue, lekin fir bhi hame bahut safe feel ho raha hai. Main aapse itna bolunga, this is your first day, right? To aapko kaisa feel ho raha hai yahan pe? So I'll answer that. So being a women traveler, mere ko abhi tak safe lag raha hai. अभी तक मुझे सेफ लग रहा है, बिल्कुल। बाकी अभी और है हमारे पास दिन, अभी हम और एक्सपीरियंस करेंगे। You will be the safe always here and you will love it and I'm going to show you some beautiful places in Kashmir.
और ये व्लॉग हिट होने का या फ्लॉप होने का पूरा क्रेडिट जाएगा सिर्फ जुनैद को। अच्छी चीजें दिखाई तो हमारा हिट है, नहीं दिखाई तो फिर मैं इसकी पिटाई करूंगी। ठीक है, आप मेरी पिटाई कर देना। तो अगर मैं नटशेल में बोलना चाहूँ तो इफ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू वॉन्ट टू कम टू कश्मीर, और मैं इतना भी बोल सकता हूँ इनको, मतलब हमारे जितने भी ये भाई अभी या सिस्टर्स जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज विजिट कश्मीर। It's beautiful. Visit, it's very beautiful. It's beautiful. There is no place like Kashmir in the world. Absolutely. And I second that thought. अभी हमने सिर्फ दो जगह ही देखी हैं और डल लेक को अच्छी तरह घूम रहे हैं हम, बहुत मज़ा आ रहा है यार। मतलब ये डिफरेंट वाइब्स हैं यहाँ पे, आप समझ सकते हो कि इट्स लाइक हिमाचल, लेकिन यहाँ और हिमाचल की वाइब्स में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। हिमाचल एक अलग चीज़ है, कश्मीर एक अलग चीज़ है। अभी तक ये बहुत सुंदर लग रहा है हमें, और आपको प्लान बनाना है और कोई भी क्वेश्चन है हमारे लिए तो प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन। अभी तक तो हम यही बोलेंगे कि आपको कश्मीर आना चाहिए। और बाकी के एपिसोड देखो यार, हम बहुत मस्ती 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 वाली जगह डालेंगे, फिर आपको कन्विंस कर ही देंगे। नहीं जुनैद, मिलके हम बहुत सारे लोग कन्विंस करेंगे और बुलाएंगे। आई एम एक्साइटेड फॉर टू थिंग्स एक्चुअली, एक तो सुबह वाली वेजिटेबल मार्केट और एक दरगाह जो है आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अभी के लिए इस व्लॉग से वी आर साइनिंग ऑफ, आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कॉमेंट करो अगर कोई भी डाउट है तो, और हम आपके हर एक कमेंट का आंसर देंगे। हमारे पास आंसर नहीं होगा तो हम जुनैद से आंसर लेके फिर आपको आंसर देंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।